दारू पीना छोड़ दे थारी इज्जत बिगड़ी जाए, इज्जत बिगड़े जगत में घर में भूखी नारी। भैया दारू पीना छोड़ दो इज्जत बिगड़ी जाए और इज्जत बिगड़े जगत में न घर में भूखी थारी नार। गणम माता माता बांधी बांधी बैठा न कामला ओढ़ी ओढ़ी ने न हवे वापस कहीं बट्टी पे मली जाओ न कहीं कलाड़ी पे मली मरी जाओ तो कोई सार नहीं है सत्संग में बैठने को। भाई रूपा कहती है मारा धनी को मारक जिनो रे रावण माल, तू तो होई जा सन सुधार धारी का यार। जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे अपने आप को नहीं सुधारेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। भले घना सत्संग सुनो जय गुरुदेव का नाम ले लो राधा स्वामी का ले लो या भले ही सत साहेब में चले जाओ कहीं होने वालो जब तक हम तो भजन तो गणा हंसा होनी रहना वही जाए तो फिर कुराटे कर दो नार भजन होने ना आया। इसलिए ऐसा काम नहीं करें। आइए सदगुरु कबीर कहते हैं इसलिए अब तो मान जा रे टाकी मन में दारू की कहीं चाकी और यदि कोई भैये पी भी रखे हो न कोई पिता भी है तो बुरा ना माने क्यों कि हम ये जो आने वाला कल है और जो माता बहन बैठी हैं पिता समान जो बैठे हैं गुरु समान बैठे हैं हम इनके लिए गा रहे हैं। क्यों कि अभी वर्तमान में कई बहन विधवा हो गई इस दारू के चक्कर में, कई माँ जो जिसको एक बेटा वो गलत संगति के कारण उस परिवार का सहारा उस माँ का सहारा वो माँ दुखी हो गई है इस दारू के चक्कर में। इसलिए आइए इस संतों की वाणी को हम सुने। अब तो मान जा रे डाकिर मन में दारू की कई चाखी इसलिए ये आज की सत्संग जो लगी है ना सत्संग क्यों होता है टाइम पास करने के लिए क्या तो फिर आपकी गलतफहमी है। अरे सत्संग में आए तो हम सुधरे गलत आचार विचार को छोड़े ये है सत्संग। एसी बनी जाएगा एसी या पड़ी
एक दिन सबकी। और ये संकेत दे रही है कि तुम सुधरी जाओ। कई महापुरुष चले गए हमारे परिवार से, हमारे माँ शबरी को देख लो, बाल्या बिल के देख लो, घना खराब बहुत खराब तो बाल्यो भी। विके यादे ने तो राम नाम गाई हुई, पर जिस दिन अपने आप पर बीती तो फिर समझ में आया कि सब झूठा है। राम नाम दियो तो मरा मरा रटे, मरा मरा रटो रटो ब्रह्म ऋषि भैया। और ब्रह्म ऋषि भैया बालियो भील तो तुम भी तो भील है, अपने तो भील है। इस धरती के, इस देश के हम मूल निवासी है। तो एक तो नाम तो करवाई नाल छाड़ी दी गए, जय जय की जय। जैसे हमारे गोकुल भाई बैठे हैं, युवा साथी सब बैठे हैं, पण अपने नाम कैसो करा। गड़पा खाई नो मरू, फांसे खाई नो मरू, थन्ना नी पटावे एक बाप को बोला ना रे दादा तू एक बाप को दस बाप को हमारे कई लेनो देनो है। अरे तू किस काम के लिए आया, काई कारण आयो रे बंदा, काई धंधे लाग्यो, मन क्यों जावे रे मुंगा मुंगा। इसलिए हम सत्संग में आए तो सुधरे और गलत विचार को आज छोड़ दे। जितने भी भाई सुन रहे हैं, कोई पीते हो तो आज से निपिए के सम्मान श्री हमारे सर की इस भजन बेला में, इस ऋण में हमने छोड़ दिया। तो आइए मैं उस घर घर की बात करता हूँ जिसका आपके गांव में भी ऐसा घर होगा कि जिसका मजदूर से चिल्ला चूल्हा जलता हो, जिसका मजदूर से घर चलता हो डेली, उसकी बात करता हूँ। क्या जैसे अपने पड़ोस में नौछा को बाजार पड़े तो भाई के दारू वाला के लो भला आदमी या आठ दिन की मेहनत है, ले जा जो नालछा से हल्दी नहीं है, मसालो नहीं है, मिर्ची नहीं है, छोरा का कपड़ा नहीं है, ये लिया तो बोलो आदमी कहाँ जाए। आइए सुनिए। अरे पैसा लेके बाजार जावे दुकान गयो रे ठेका की, पैसा लेके बाजार जावे दुकान गयो रे ठेका की, अरे दादा कहाँ अलग ने कहा मसालो दादा, उन्हें दुकान नहीं देखी उतो ओड गयो रे उते ठेका पे ने मार ठेका पे विका 5-10 पीड़ो आती चढ़ सकी रे के काले दादा की वारी तो परसों भाई की वारी आती चढ़ जा हजार कहाँ दादा वहाँ तो और माते हुए रे तो कई भाई फिर पाविया जिसे का नचालन बाटल भरावे अतिथि दादा के काम में चलन बटल भरावे आखी, बटल भरावे आखी तो फिर या नालचा फोर लाइन है नहीं, टू लाइन के कही देगे या नारकी दे आई घर है नहीं आवे फोर लाइन का कही देगे या नारकी फोर लाइन है ने दादा दिन नारकी की दिन वही थी मोटो नार आवे वहीं से दी मोटो नार आवे ना वो ट्रक वालो ना वो भी कदी लाल सफेद वालो जे तो फिर जो नीचे वालो नार थोड़ा छोटो पड़ी जाए
देना नार का ऊपर उठ रहा चट्टी जाए तो पे होरिन लानो पड़े नार के इसलिए हमें सिदारू नाम पी कि अपने देह के सोरिन लानी पड़े ये सिदारू क्यों पियो भैया इसलिए अब तो मान जा रे डाकी मन में दारू की कहीं जागी अब तो मान जा रे डाकी मन में दारू की कहीं जागी फिर कई हुई दारूड़ो भाई कह के रहे कि पैसा तो उठे दे सब फिर वो देखे कदी धन बुढ़े इंदारा में जाए तो कई हुई अरे पी दारू के नशा में हो क्या सुध बुध भूल गयो सारी अरे पी दारू के नशा में हो गया सुत बुत भूल गयो सारी पी दारू के नशा में हो गयो सुत बुत भूल गयो सारी के घर की अड़द मंगाड़ी के मसालो के छोरा कपड़ा दादा कई सुजनी भी के दे तो कई हुई घर का चोरा चोरी भूखा रे रोवे घर बुलावे काकी अब तो मान जा रे डाकी मन में दारू की कई जागी अब तो मान जा रे डाकी मन में दारू की कई जागी घर का छोरा छोरी थारा भूखा रोवे घरे बुलावे काकी अब से भतीजा आई जा देखिए भैया बहुत अच्छे हैं आप सब सत्संग को सुन रहे हैं पर हम अपने आदत को नहीं छोड़ रहे हैं हमारी गलत खान पान को नहीं छोड़ रहे हैं हमारी गलत संगति को नहीं छोड़ रहे हैं तो भैया मजधार में डूबना है जो बच्चे बच्ची का ना हो अपने संतान का ना हो अपने संतान की पेट जो अनाज बेच देता है दारू वाला खाने का अनाज बेच देता है यदि दारू पीना दे पांच दस फैक्ट्री को मालिक बन पिया तो थारो नाम हैगा घर का मक्की बेची ने घर की गेहूं बेची दारू पीनो यार यूं नार नहीं के भाई इसलिए हम अपने संतान का ना हो तो उसको जीने का अधिकार नहीं है अपने बेटे का ना हो अपने माँ पिता पाट पड़ोसी सगे संबंधी का ना हो तो उसकी कोई जीने का अधिकार नहीं है हम अच्छे बने और हमारे पास पैसे बहुत हैं तो अनाथ आश्रम में दे दे
अपना खेत का हेड मंदिर बने दो नहीं तो ज्यादा पैसा नहीं मौता है। तो तुम्हारा जो पीढ़ी है नी ये बच्चा बच्ची पके लाएगा कि वो मारा दादा बंदे क्यों मंदिर पर दारू क्यों पियो और ज्यादा पैसा है तो दो चार मेरा मुरा भैंस लिया ये माता बहन बड़ी सेवा करेगा वाह भलो आदमी मोरा भैंस लायो दारू छोड़ी ने ये राजी राजी है वाणी भैंस की सेवा करेगा ना पांच पांच लीटर दूध देगा बन्नाड ने वाणी दूध के डेरी मत दो और घर जमाओ तो ये बाई बन बन्नाड दूध कैसे गए ऐसे ना विका माय से सुप्रीम पावर निकला देसी घी वन घी के खा तो एक महीनो हनुमान जैसे उड़वा मंडी जगह दारू क्यों पिए इसलिए हम अच्छी चीज खाएं और पैसा खत्म हो जाए फिर भी दारू वाला कंदर वन दारू को पावर है तो कई बोल ले मालूम घर की के क्या बना रखा है जाना रिटायरमेंट क्लब ना जाए रोहित दी मेरे लिए क्या बना रखा है जाने पांच दस पहला आलू का कट्टा मिल गयो है तेल का डब्बा मिल गयो है क्या बना रखा है ते कोई कोई भाई बैठी थी में यदि कोई पावर फंड दी काई के मालूम कि आई जा थारा हड़का बने रखा है आठ दिन की थीवी भी लेके उन मेरो काई बने रखियो है थारा हड़का बने रखा है आई जा कोई कोई भाई तो बन बना टूटे थे कि आठ दिन की भी लेके हो दस बजे आए रहो काई बने रखियो है इसलिए भैया हमें सिदारू ना पिए और आइए अपने परिवार में कैसी दारू पीते हैं अरे कठे अंगर की कठे पगर की कठे पागड़ी नाठी अरे कठे अंगर की कठे पगर की कठे पागड़ी नाठी ऐसी दारू पिए ऐसी के यहाँ दादा को जूतो पड़ियो है आगे दादा को कमीज पड़ियो है विका वही दादा की पागड़ी पड़ी है ने विका वही दादो पड़ियो है ऐसी दारू पिए देखिएगा यू मत समझो कि अपना भील समाज दारू पिए हमने अच्छे अच्छे पंडितों को देखा है अच्छे अच्छे बाण्या ब्राह्मण को देखा है पंडित जी 1500 की बाटल पी जाई ने अपना बीच में कथा करी जाई ने अपना को पतो नहीं चलवा दे कि पंडित जी कई पी रखे ने अपने वहां 20 रुपया के पाव 20 रुपया के पाव पीन अपने पड़ोसी टापरू भागी दे जे हो विकू घर नहीं नंगे आवे नहीं तो पड़ोसी टापरू भाग दे दारू वालों इसलिए हम ऐसे दारू ना पिए अरे कठे अंगर की कठे पगर की कठे पागड़ी नाठी तो फिर जो भी एक आदमी बड़ो खराब है अपनी पागड़ी को ध्यान नहीं है अपना कमीज को ध्यान नहीं अपनों भी ध्यान नहीं है तो फिर एक आदमी बहुत बड़ो खराब है जैसे हमारी कूलर पड़ी हो यशोदा दीदी की जो गाड़ी खड़ी है वे भले 50-50 लाख की है ना 12-12 लाख की है यदि विके काम लगानो है तो लगे देगा एक आदमी बड़ो खराब है वो तमर सब के मालूम है कुत्रो रे यदि के बाथरूम करने तो 10 चक्कर काटे तो फिर कई हुई मुंडा ऊपर कुतार मुते कर ठांगड़ी बाकी तो मान जा रे डाकी मन में दारू की कई जागी अब तो मान जा रे डाकी मन में दारू की कई जागी
कुंडा ऊपर कुतरा मोदेन करे टांगड़ी बाकी। हमारे बाल कृष्ण भैया और हरिदिया गाते हैं, तन राम को मंदिर साधु भाई काया राम को मंदिर, इन मंदिर की शोभा है प्यारी शोभा अजब सुंदर साधु भाई तन राम को मंदिर। ये तन उस राम का मंदिर था, अपने कहीं कर ही रहा कुतरा मोते ही रहा, ऐसो काम नहीं करे। हम अपने आप को पहचाने कि हम क्या हैं, हम किस कारण आए हैं, ये मनु जन्म क्या है, इसको जाने। क्यों कि इस दारू के चक्कर में जो बहन बैठी है, जवान जवान बहना, कोई कोई बहन कहते हैं अनाथ में की मेहंदी भी नहीं हटे, शरीर पे की हल्दी भी नहीं निकले, न विधवा हुई जाए के साला जी जिया जी दो ही पामण आया, न दारू लेवा गया न मज रही गया। अरे आपने ज्ञात गया पर मणि बेन को कहीं होगा जो हरा साथ अग्नि देव के ने जल देव के साक्षी मन में थन थारा हंडे, जिन्हें मरने की कसम खाई कि मैं ये पति स्वीकार करती हूँ। अद्भुत क्यों राम नाम सत्पण को कहीं होगा मणि बेन को, और ये माताओं बेटी निसंतान माँ को पूछ लो कि बेटे की कीमत क्या होती है, या कोई बेटी भी पूछ लो कि बेटा कीमत कहीं हुई। और आपने तो बस लाल की दीदी ने सफेद की मिले दीदी ने क्या, पर मणि माँ को पूछो कि मणि ये थाने कतरी मुसीबत की यहाँ बुलाया, युवा साथी सुन रहे हैं बेरू जी के कई मनावे बेरू मारा मारे छोरो दे दीजिए, काड़का माता के कई खोल बरावे में नहीं जाने कणा कणा देवता के नोते नोते आदमी कदी भगत वे नहीं, ठीक है वो ते काम करूंगा छाने छाने मामा को ही जाने थाने बोकड़ो सड़े सुपड़ माने छोरो दे दीजिए, छाने छाने मान ले ले लरी माता के। इसलिए हम ऐसे मार्ग पे ना जाएं, अपनी माँ को ना छोड़े, अपनी धर्म पत्नी को ना छोड़े, अपने बेटे बेटी को ना छोड़े। और माता बहन सुन ले, अब जैसे यहाँ नुक्ता कार्यक्रम है, दिन भर नुक्तों के बाद फिर शाम को तुम्हारा ही तो पैसा पेड़ा कर फिर मंगावे, तो यदि भलो आदमी कभी दारू पी ले नशा मुई जाए तो एक बेन के नहीं माने तो पांच चार बेन पेड़ी बेने वाला भला आदमी के दो चार रजोई डाल देने ऊपर दी, पर गाड़ी मत दी सुन ले, गाड़ी मत देना और आप भी मत जाना, पहले तो गाड़ी देना ही मत, यदि गाड़ी दी तो फिर समाज विधवा बनना पड़ेगा। इन दारू के चक्कर में कहीं भाई चले गए, इसलिए माता बहन सुन ले कि अपने पति को दारू में होने के बाद गाड़ी ना दे। अब तो मान जा रे डाकी मन में दारू की कहीं चाकी, अब तो मान जा रे डाकी मन में दारू की कहीं चाकी, यदि आज इस सत्संग की रेण में हमारे वसीना जी सर के रेण इस सत्संग की रेण में यदि एक इंसान ने भी आज छोड़ दी तो को आज घर सुखी हो जाएगा, आज उकी बैरा सुखी हो जाएगा, वारे भाई भजन गावड़ा थारू बल्लू वे
मारा गर्दनिए दारू छोड़ दी दो तो छोड़ दी दो। अरे के हरी लाल गुरुजी कचरणे ये छुड़ावे सारी के हरी लाल गुरुजी कचरणे ये छुड़ावे सारी दुर्गादासन कृपा रखी ने शरण जब पूरा की अब तो मान जा रे डाकी मन में दारू की कई जागी अब तो मान जा रे डाकी मन में दारू की कई जागी अब तो मान जा रे डाकी मन में दारू पी कहीं जाकी मन में दारू पी कहीं जाकी मन में दारू की कहीं जाकी सतगुरु दयाल की जय हो जाने वाली अमर आत्मा की जय हो।